रतनपुर महामाया मैदान में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जल समस्या निवारण शिविर लगाया गया था, जिसमें लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोग अपनी निजी व सार्वजनिक समस्याओं को लेकर शिविर में आवेदन जमा करते हुए देखे गए। शासन की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों को किसी भी प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और शासन की योजनाओं का लाभ मिलने में हो रही समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस तरह का शिविर लगाया गया, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को आवेदन के माध्यम से अधिकारियों को दिए, जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन आवास और पट्टा को लेकर आया है। पेंशन भी नहीं मिला भाई, मोला एको पैसा नहीं मिले, एको सा भरे रहे फार्म 3 नंबर वाला। हाँ भरे हूँ, 1 साल हो गए भरे, ये नगर पंचायत दे रहे हैं, तभी नहीं आए कहीं बोली से। मैडम है दे लिख के दी से बनी कहीं एक दिव्यांग महिला ने भी अपने आवास की समस्या को लेकर शिविर में पहुंची थी, जिससे रतनपुर तहसीलदार सिदार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विकलांग महिला के पास खुद जाकर उनका आवेदन लिया और उनकी समस्या सुनी, जिस पर तहसीलदार ने बहुत जल्द ही निराकरण की बात कही है। क्या समस्या है? एक महिला आई है जिनका नाम अहिल्या यादव है, पिता गोपाल यादव, जो रहने वाली पारा की रहने वाली है, जो कि विकलांग है और जो अपना गुजर बसर प्रसाद बेचकर करती है। उनके द्वारा समस्या बताई गई कि आवास, पेंशन और बिजली कनेक्शन नहीं है। फिर मैंने CSEB से बात की है कि इनके बिजली कनेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने इनको बोला है, निर्देशित किया है और ये बोले हैं कि निःशुल्क इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवास और पेंशन के लिए हम अभी कार्यवाही जारी रख रहे हैं, जिसमें आवास में बताया गया कि अगर उनका मतलब भूमि संबंधित अगर दस्तावेज पेश किया जाता है तो आवास में स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार से हम अभी मैडम, उनका कहना है कि वो साल भर पहले नगर पालिका में आवास के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन विभाग इतना मतलब लचर है कि अभी तक उनको समस्या नहीं सुनी गई, जबकि वो निःशक्त है। इसमें देखना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया किस स्तर पर है और उसको अभी हम प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। रतनपुर नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्र सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं विभाग के स्टॉल में जमा किए। इस तरह इस शिविर में 23 विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जिन्होंने आम जनता की समस्या सुनी और जिस समस्या का निदान हो सकता है उनका त्वरित निदान भी किया गया और जिसका निदान नहीं हो पाया उसको विचार करने व बाद में निराकरण करने की बात कही गई। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है सभी राजस्व निरीक्षक मंडल जो हमारे यहाँ 5 हैं कोटा अनुविभाग में, सभी में खंड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इसी तारतम्य में पहला शिविर दर्गी कला में आयोजित था और आज यहाँ रतनपुर में आयोजित किया गया है। इसमें ब्लॉक स्तर के सभी विभाग के जो अधिकारी हैं छोटे हैं वो उपस्थित हैं और यहाँ पर राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जो ग्राम पंचायत हैं रतनपुर के, वो सभी लोग जो भी आवेदक आ रहे हैं उनसे संबंधित आवेदन को लिया जा रहा है। जो आवेदन तत्काल निराकरण किए जा सकते हैं उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है, बाकी आवेदनों का निराकरण कर आवेदक को अलग से सूचना दी जाएगी।